सो हाई गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर कुकिंग वीडियो। होप यू गाइज आर डूइंग गुड एंड ग्रेट एज वेल। सो गाइज, मेरे आज के टाइटल और थंबनेल को देख के आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि आज की जो रेसिपी होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी अ स्वीट डिश रेसिपी। सो एज वी ऑल नोज की होली आने वाली है, सो होली के टाइम पे सबके घर में थोड़ा थोड़ा मीठा तो बनता ही है, गुजिया भी बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बट आज एक मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा डेजर्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसको आप अपने डेजर्ट बोल सकते हो या कोई भी स्वीट डिश आप इसको बोल सकते हो, जो आप होली पे कुछ चेंज करने के लिए बना सकते हो। जैसे गुजिया तो बनती रहती है, बट एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। सो आज हम बनाने वाले हैं मावा समोसा और मेवा समोसा, या फिर आप इसको ड्राई फ्रूट समोसा भी बोल सकते हो। सो चलो गाइज, होली स्पेशल मावा समोसा बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया हुआ है मैदा, तो एक बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है। क्वांटिटी आप जितने बना रहे हो समोसे उसके हिसाब से आप हर चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा लेना। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया हुआ है मैदा, मैदे के साथ में यहाँ पे हमने लिया हुआ है आलमंड्स, यानी कि हमने बादाम लिए हुए हैं जिनको हमने इस तरीके से चॉप किया हुआ है, छोटा छोटा कट कर लिया है। देन यहाँ पे हमने लिया हुआ है पिस्ता, पिस्ता को भी हमने यहाँ पे कट किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे हमने लिए हुए हैं कैशियूज, यानी कि काजू, काजू को भी हमने छोटा छोटा बारीक बारीक इस तरीके से चॉप कर रखा है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है बूरा, यानी कि जो बूरा वाइट वाला जो होता है ना, हल्की वाली शुगर जो होती है, वो हमने यहाँ पे ली हुई है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट, ये कोकोनट पाउडर मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने ली हुई है किशमिश, इनको भी मैंने इस तरीके से चॉप किया हुआ है, रेजिन्स को भी। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है फ्रेश मावा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमें क्या करना है। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमें हल्का रोस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले देसी घी के अंदर मैं यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी हमारे बादाम को। अब साथ में हम भून देंगे इसके अंदर कैश्यूज, बादाम हमारे भून गए हैं, अब कैश्यूज को भी हम रोस्ट कर लेंगे। इसी के ही साथ में हम ऐड कर देंगे हमारे पिस्ता भी। अब हम कर लेंगे इसी के अंदर रेजिन्स को भी हल्का सा रोस्ट, यानी किशमिश को भी। रेजिन्स को हार्डली 2 मिनट ही करेंगे और निकाल लेंगे, ज्यादा हमें नहीं करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी, इसको हमें भूनना है, सूजी को भी अच्छे से भून लेना है। ये हमारी भून गई है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालना, भी भूनेंगे हम। अब गाइस, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे मावे को, हाथों से ही हम इसको स्मैश करके डालेंगे इसके अंदर। अब हमें इसको भूनना है अच्छे से। सो यहाँ पे गाइज हमारा मावा और सूजी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हमारे जो थे रोस्ट करे वो भी हम इसी के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो कम ज्यादा, ये थोड़ा सा हम रखेंगे गार्निशिंग करने के लिए। अच्छे से हम मिक्स करके 2 से 3 मिनट और भूनेंगे और उसके बाद में हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसका डो बना के रेडी कर लेंगे। इस डो बनाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारी मैदा। मैदा की क्वांटिटी आप अपने समोसों की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, जितने आप बनाना चाह रहे हो। अब गाइज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे देसी घी, मोमन के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब देसी घी डाल के हमें इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। ये जो डो बनेगा गाइस, ये काफ़ी टाइट डो हमें बनाना है, क्योंकि जितना आपका डो टाइट होगा उतने ही सॉफ्ट आपके समोसे बनेंगे, तो इसलिए इसके अंदर डो का मेन रोल रहेगा। तो डो जो हमें बनाना है वो एकदम टाइट डो हमें बनाना है इसका। तो पहले खाली देसी घी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस अब आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से मुट्ठी बंद होने लग गया है, मतलब कि डो हमारा ये रेडी हो गया है पानी मिलाने के लिए। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी और हमें टाइट डो लगाना है, मैंने बताया था कि स्मूथ नहीं लगाना है, एकदम टाइट डो हमें इसका लगाना है। तो यहाँ पे गाइस हमारा डो एकदम रेडी हो गया है, आप देख सकते हो कि कितना टाइट डो हमने इसका बनाया है। तो 2 मिनट इसे रेस्ट मोड पे छोड़ते हैं और अब हम फिर अपने समोसे बनाते हैं। सो गाइस ये अब हमारा ठंडा हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बूरा।
बुरा ना हो तो आप चीनी लेके उसको अच्छे से पीस के भी यूज़ कर सकते हो। मीठा आप अपने हिसाब से कर लेना जितना भी आप खाते हो। सो यहाँ पे गाइस अब हम फटाफट से समोसा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने डो की एक छोटी सी रोटी इस तरीके से बेल ली है समोसे बनाने के लिए, और अब हम इसको कर देंगे बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड। अब मैं छोटे समोसे बना रही हूँ, अगर आप बड़ा बनाना चाहो तो आप बड़ा भी बना सकते हो, तो इसलिए मैं छोटी एक रोटी बेल रही हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी दो पार्ट्स में। और उसके बाद में हम इसका समोसा बना के प्रिपेयर करेंगे। पहले पानी लगा लेंगे चारों तरफ इस पे। तो इसके एजेस पे हम पानी लगा लेंगे इस तरीके से, और अब इसे हमें इस तरीके से समोसे की शेप में लेना है, और सेंटर में हम स्टफिंग इसके अंदर हमारी फिल करेंगे। स्टफिंग बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि हम छोटे साइज के बना रहे हैं, तो स्टफिंग कम डालनी है। एंड यहाँ से इसे हम इस तरीके से कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से समोसा हमें अपना बना के रेडी करना है। ये बन के हो गया रेडी मेरा, एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस पर भी हम इसी तरीके से पानी लगा लेंगे। स्टफिंग भर लेंगे, स्टफिंग ज़्यादा नहीं भर रही हूँ, इसको भी हम क्लोज करेंगे। सो इसी तरीके से अपने सारे समोसे बना के रेडी करते हैं। सो यहाँ पे गाइज अब हमारे समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया है देशी घी। अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी, उसके बाद मैं फ्राई करूँगी समोसे। सो घी हमारा गर्म हो चुका है गाइज, अब हम इनको डाल देंगे एक एक करके अपने समोसों को। और मेक श्योर कि आपका जो घी है वो सुपर हॉट होना चाहिए। अब इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको हल्का हल्का हम फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। सी गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्लॉट हो चुका है डन। अब हम इसको एक सेपरेट प्लेट पे निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे गाइस मैंने ये अपने फ्राई करके समोसे निकाल लिए हैं। अब फटाफट से हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। सो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैं ले रही हूँ एक कटोरी चीनी, और इसी कटोरी के माप से मैं आधी कटोरी इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी। यानी एक कटोरी चीनी के अंदर आधी कटोरी पानी मैंने ऐड कर दिया। सो यहाँ पे गाइज मेरी एक टाल की चाशनी भी हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। सो यहाँ पे गाइज मेरी चाशनी भी हो चुकी है रेडी, और यहाँ पे हमारे समोसे भी है रेडी। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको चाशनी के अंदर डिप कर करके निकाल लेना है। इस तरीके से डिप कर करके हमें निकाल के रख लेंगे प्लेट पे साइड पर। ऐसे ही मैं सारे निकाल लेती हूँ और फाइनल प्लेटिंग पे फिर आपको मिलते हैं।
सो ये गाइस हमारे डिलीशियस सी मावा समोसा और ड्राई फ्रूट समोसा बनके हो चुका है रेडी, जिसको मैंने गार्निश किया है ड्राई फ्रूट्स के साथ में, पिस्ताचियो कैशियोज और आलमंड्स के साथ में मैंने इसको गार्निश किया है। सो आई होप आपको मेरी आसान सी स्वीट सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड सी गाइस ये मिनी समोसाज कितने क्यूट लग रहे हैं, तो इस बार होली पे आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।